शुभ प्रभात मेरे बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप लोग सभी हिंदी व्याकरण निकालिए, ठीक है। रोहिणी, हिंदी व्याकरण ये अभ्यास पुस्तिका है, आज इसी का रिवीजन होगा। तो आप लोग सभी इसको निकालिए, पेज 3। कैसे क्या पढ़ना है आप लोगों को पता होगा। प्रश्न के उत्तर, ये हिंदी रोहिणी हिंदी व्याकरण का ही अभ्यास पुस्तिका है। तो भाषा क्या है आप लोगों को पता होगा, इसको अच्छे से अध्ययन कीजिए। जितना प्रश्न है, क ख ग घ अंग, जब हम बोलते हैं तो दूसरा कैसे समझता है, कंप्यूटर पर लिखित बात आप कैसे समझाते हैं, घर पर बातचीत में आप किस भाषा का प्रयोग करते हैं, समाचार पत्र में कौन सी भाषा होती है, ये सभी प्रश्न का उत्तर अच्छा से याद कीजिएगा। और नंबर 2, खाली स्थान भरो, इसमें भी देखिए क ख ग घ है, इसको भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। हम अपनी बात 2 तरीके से कहते हैं, कौन सा तरीके से कहते हैं उसको भी अध्ययन कीजिए। फोर, देखिए चित्र देखकर लिखो भाषा का कौन सा रूप प्रयोग किया जा रहा है। देखिए चित्र है, और जो सही होगा, जो जहाँ बैठना है ठीक से ऐसे करके आप लोगों को भरना है, उसको भी अध्ययन आप लोग समझ के कीजिएगा। नंबर 4, आप अपने भाई या बहन को जन्मदिन की बधाई कैसे दोगे लिखकर बताइए। आप लोग पढ़िए इसको भी। इसके 2 वर्ण और वर्णमाला। प्रश्न के उत्तर लिखो, ध्वनि क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, संयुक्त वर्ण व्यंजन लिखो, अंग और अह को क्या कहते हैं, ये चारों प्रश्न का उत्तर अच्छा से अध्ययन कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर 2, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। सही जो होगा उसी में आप लोगों को भरना टिक लगाना है, इसको अच्छा से समझ के कीजिए। धनिया ही है, जो सही है इसी में उत्तर है, उसी में सिर्फ आप लोगों को टिक लगाना है, ठीक है। ऐसा माला, वर्ण, आहार, यहाँ 3 है, हो सकता 4 दिया होगा, हो तो 4 अगर रहेगा तो उसमें जो रही सही होगा उसी में टिक लगाना है। ख वर्ण को क्रम से लिखना कहलाता है, जो उसी में आंसर में उत्तर लीजिए जो सही है। ग क ख है स्वर व्यंजन कुछ नहीं, आप लोगों को पता होगा क ख क्या है, तो उसमें आप लोग सही में टिक लगाइए। घ संयुक्त व्यंजन है, क्या है बोलिए, संयुक्त व्यंजन कौन सा है, यह दोनों ही है तो सही में टिक लगाना है। ऐसा करके आप लोगों को हर कुछ अभ्यास करना है। मैं सब कुछ करा चुकी हूँ, सिर्फ मैं बता रही हूँ कैसे करना है और कैसे अभ्यास करना है। वर्णमाला को पूरी करो, जो छोड़ी हुई जगह है उसमें आप लोगों को सही भरना है, सही वर्ण को भरना है, ठीक है। तो जो अ छोटा है उसके बाद में क्या होगा, छोटी ई है, जो खाली जगह है जिसके बाद जो है अब वो लिखिए। उसके बाद देखिए यहाँ भी दिया हुआ है क के बाद क्या आता है, च के बाद, ट के बाद, त के बाद, प के बाद, य के बाद, स के बाद, ऐसा करके जितना दिया हुआ है यहाँ सबको आप लोगों को भरना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जितना है पेज 3, 4, 5, 6, आप लोगों को हर पेज को अच्छा से ध्यानपूर्वक करना है, ठीक है।